दिव्या अग्रवाल को क्या बोली निया जी हाँ घर से आई ऐसी क्या खबर दी है दिव्या अग्रवाल को निया ने जिसके बारे में करेंगे हम इस वीडियो में बातचीत आ जाइए मेरे साथ हेलो दिस इज लीसा गंगवानी दरअसल दिव्या अग्रवाल हैज बीन थ्रू अ टफ फेज राइट नाउ क्योंकि शी लॉस्ट अ फादर दिस ईयर शी लॉस्ट हर फादर टू कोविड और उनकी लाइफ इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है अभी पिछले कुछ महीनों से जिसके बाद उन्होंने बिग बॉस ओटीटी के लिए हामी तो भरी बट वी है की मेरा मेंटल स्टेट इतना अच्छा नहीं है मैं अपनी खुद की मेंटल स्टेट संभालूंगी तभी मैं किसी को समझा पाऊंगी ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी है जिसके बाद निया जो है उनके घर से एक मैसेज लेकर आई है दैट यू आर डूइंग रियली गुड और बाहर की चिंताएं आप छोड़ दो घर के अंदर का गेम खेलो जी हां यहां पर जो है साफ हो गया है दिव्या के लिए अब की बाहर की चिंता नहीं करनी है बिकॉज एवरी थिंग इस माइने से पहले सनी लियोनी भी जब आई थी तो दिव्या अग्रवाल के लिए यही मैसेज देकर गई थी कि उनकी फैमिली बहुत प्राउड है जिस तरीके से दिव्या जो है गेम खेल रही हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है शो में दे आर वेरी प्राउड ऑफ हर एंड दे वॉन्ट हर टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम और निया भी अब यही एक मैसेज लेकर आई है जो दिव्या के घर से उनके पास पहुंचा कि दिव्या आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो आपकी फैमिली बहुत खुश है तो बाहर की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा अपने गेम पर ही ध्यान दीजिएगा तो भाई दिव्या अग्रवाल को भी मिल गया है अपनी फैमिली की तरफ से मैसेज प्लस दिव्या और निया के बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग भी नजर आ रही है निया ने जब आते शादी कह दिया कि वो दिव्या के साथ कनेक्शन बनाना चाहती है प्रतीक को नहीं दिव्या को चुनेंगी तो भाई ये सारी चीजें तो क्लियर हो जाती है दर शी इज गोन अ बॉन्ड विद दिव्या एंड शी इज गॉट अ गुड मैसेज फॉर दिव्या ऑल्सो तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों की दोस्ती किस तरीके से ब्लॉसम होती है घर के अंदर किस तरीके से चीजें होती है घर के अंदर एंड हाउ वी आर गोना सी दिस न्यू फ्रेंड ब्लूम इन साइड द हाउस तो क्या कहना चाहेंगे क्या आप लोग भी देखना चाहते हैं निया दिव्या को कनेक्शन के साथ साथ अच्छे दोस्त बनता हुआ बता दीजिए जल्दी से हमें कॉमेंट सेक्शन में, में. बाकी तो मैं चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है कई सारी खबरें हैं लगातार ऐसी आप तक पहुंचाते रहेंगे